बताते हैं कि देखिए यहीं पे सामान रखा हुआ था पूरा शिवा का, यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे पूरा सामान रखा था और ये सब यहाँ बैग रखा था और यहाँ पे पूरा मतलब छेड़छाड़ के पूरा सोना निकाल लिया दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? बीटू सिंह ब्लॉग में आप लोग को स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छा होंगे दोस्तों। मतलब पहले गुड मॉर्निंग सुबह का टाइम एकदम अभी 7-8 बज रहा है, 8 बज रहा है। तो दोस्तों आप लोग बताते हैं कि मतलब क्या बोले, हम लोग के पास एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था जो कि आप लोग को बताए भी थे कि आप लोग साथ शेयर करेंगे लेकिन नहीं किए थे, लेकिन आज मतलब फाइनली इस वीडियो को बना रहे हैं। बनाने का बिल्कुल मन नहीं था मेरा, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि क्या छोटी छोटी बात शेयर करें, लेकिन चलो फाइनल से बताते हैं क्योंकि आप लोग को बोले थे, लाइव आए थे कि आप लोग से बात करना है। चलो दोस्तों क्या बात है, नहीं आप लोग से कुछ बताएंगे उस पर आप लोग बताते हैं। अभी सुबह का टाइम हो चुका है और देख सकते हैं सीमा को, और सीमा को खरीद दिए इधर, इसको नहीं था तो। तो चलो दोस्तों बात क्या है जो सीमा भी बताएगी, हम बताएंगे। अभी इडली खाएंगे, इडली सांभर खा लेते हैं, फिर देखिए अभी भूख कस के लगे, अभी सुबह सुबह नाश्ता उस्ता कुछ नहीं, तो अभी लेके आए हैं मतलब इडली सांभर, तभी इसको खाएंगे और बात क्या है नहीं आप लोगों को बताएंगे अच्छे से। आप लोग पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, फिर पहले थोड़ा खा लेते हैं, भूख लगी फिर तभी तो बोल पाऊंगी। तो अभी सुबह सुबह टाइम है, अभी उधर जा रहा था एक बेचने वाला, देख सकते हैं कितना मस्त लग रहा है ना। इधर डेली खाते, कल भी खाए हैं तो आज हाँ, मुझे खाने का मन किया। तो चलिए दोस्तों आप लोग बढ़िया ब्लॉग पे, पहले थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं, आप लोग को पूरा बताते हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ और क्या बात है सब आप लोग को बताना चाहते थे। तो फिलहाल आप लोग बढ़िए ब्लॉग पे, तो दोस्तों चलिए बताते हैं क्या हुआ। तो पहले थोड़ा सा आप लोग बता देते हैं कि मतलब क्या हुआ, फिर सीमा सब पूरा बताएगी क्योंकि हम तो ड्यूटी में थे। तो आप लोग बताते हैं कि आप लोग पिछले वीडियो में देखे होंगे अभी से 6-7 महीने पहले कि मेरा एक सोना का था गर्दन में जो अभी नहीं है, देख सकते जो हम लोग जब खरीदे थे तो आप लोग को दिखाए भी थे, उसका ब्लॉग भी है हमारे चैनल पे, आप वो जाकर देख सकते हैं। इनके लिए हम लॉकेट खरीदे थे जो आप लोग को दिखाए थे, पहली बार कुछ खरीदे थे इनके लिए, तो वो लॉकेट था जो कि हमारे घर में से चोरी हो गया है। तो मतलब कैसे चोरी हुआ, कौन लिया नहीं लिया सब एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों ये जो बात है ज्यादा दिन का बात नहीं है, 1-2 हफ्ता का बात है और इसके लिए भी मैं टेंशन में था, वीडियो नहीं बना रहे थे, सोचे क्या इस पर वीडियो बनाए, मुझे अच्छा नहीं लगता खुद को। तो आप लोगों को पूरा बताते हैं कि क्या हुआ तो नहीं हुआ था दोस्तों। मेरा ड्यूटी था मतलब नाइट का, तो ड्यूटी नाइट में गए थे और सुबह में आए थे, तो सीमा कहीं चल गई थी, तो मैं तुम्हें बता तो नहीं बताओ सुनो दोस्तों। सुबह में जल्द जल्द इनका सुबह का शिफ्ट था ड्यूटी का, तो ये 6 बजे निकल गए थे, तो 3 बजे आते, 6 बजे से जाते तो 3 बजे आते, 3 बजे आते शाम। तो ये जल्दी जल्दी में चाबी, 2-3 चाबी है तो मेरे पास अब चाबी है, तो ये चाबी ले जाना सुबह सुबह भूल गए और मैं भी नहीं दे पाई, इतना जल्दी जल्दी सुबह सुबह ड्यूटी जाना था इसकी वजह से, तो ये चाबी नहीं लेकर गए। और मुझे कहीं जाना था दोस्त के यहाँ, कुछ काम था ज़रूरी, इसके लिए मुझे जाना था, तो ये जब मैं देखी जाते टाइम तो इनका चाबी लेके गए नहीं, तो मैं सोची अगर वो आ जाएंगे 3 बजे तो फिर खाना ना कैसे खाएंगे, यही सोच के हम चाबी बाहर गेट के बाहर चप्पल, मतलब मेरा चप्पल 2-3 सेट था उसके अंदर में रख दिए थे, हम उसे पहले भी 1-2 बार रख चुके थे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और हम उस दिन रख दिए और हम चले गए, और मोबाइल भी उस टाइम नहीं था मेरे पास, मेरा मोबाइल ख़राब हो चुका था, तो हम इनको बताते थे तो मैसेज कि हाँ यहाँ है, चाहे किसी को चाबी भी देख पाते तो ऐसा कुछ दिमाग में नहीं आया दोस्तों, और हम चले गए वहाँ पर चाबी रख कर, फिर उसके बाद ये आए। तो दोस्तों अब हम बताते हैं, फिर हम ड्यूटी से जब आए तो देखे पूरा मतलब सामान में पूरा छिटा हुआ है और सब खुला था। आप लोगों को बताते हैं कहाँ पे, तो ये यहाँ पे मतलब सामान में पूरा छिटा था और रूम खुला था, अच्छा भी रखा हुआ था, और मतलब आप लोग बताते हैं कि यहाँ पे मतलब टांगा हुआ था झोरा वोरा सब, और इधर बैग था, तो देख रहे हैं पूरा छिटा उटा है सामान वामान ये सब। तो दोस्तों हम सीमा को बोले कि मोबाइल तो था नहीं, तो दोस्तों हम पहले सीमा को खोजे, सीमा कहाँ गई है, तो इनको पता था कि हम कहाँ हैं, तो मुझे बुलाने के लिए, तो हम बुलाने के लिए गए, सीमा गए थे थोड़ा फ्रेंड के यहाँ तो कुछ काम से, तो हम गए सीमा को बोले कि अरे घर खोली कर आई है क्या, तो बोले कि नहीं, हम बोले चलो चलो देखो ना घर मतलब कैसा हुआ है, फिर जैसे हम रूम पे आए देखी तो सीमा रोने आने लगे पूरा। और दोस्तों झोला ये दिखाए ऊपर उधर, उसी में रखा हुआ था इनका सोना वाला था, और 1000 रुपया था, 900 रुपया था, 1000 आपको निकाल के लाए थे सब्जी, 100 रुपया खर्चा हुआ था, 100 रुपया खर्चा हुआ था, तो वही 900 रुपया था।
और वो उसी झोला में हम रख दिए थे क्योंकि ये पहन टूट गया था धागा ना, इसके वजह से वो रख दिए। और दोस्तों आप लोगों को बताते हैं इनको पहनने के लिए देंगे, वो क्या किया वो लेके यहाँ पे उछल के और पूरा सोना मतलब ले लिया। सोना ले लिया और धागा काट के अच्छा धागा में था वो सोना, धागा काट के वो चक्कू भी ले गया था, वो धागा काट के और सोना निकाल लिया धागा वही यही पैसा ले लिया यही पे बिस्तर पर ही उछला वो। तो ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ दोस्तों, और उस दिन हम बहुत तो मतलब बहुत सिमारोनी लगी और बाद में गए पुलिस थाना, पुलिस उलिस भी आया, मतलब बहुत मगजमारी हुआ और मतलब पूरा फाइनल समझिए ना कि बाद में कुछ हुआ नहीं। और हम भी सोचे कि जाने दो, अब जो लिया है ना वो भगवान करे कि सब दिन ऐसे मतलब दोस्तों हमको मरते रहे, गाली आ रहा है मुझे मुँह से क्या कहें। जिस पे शक था ना वो नहीं लिया, हम जरूर के किसी के बारे में ऐसा बोले थे, लेकिन जो लिया उसको हमको बाद में पता चला जब हम लोग कहीं गए, मतलब कुछ बोलते ना पता करने के लिए, तो ऐसा में हम लोग गए तो वहाँ पे पता चला कि कौन लिया, मेरा अपना ही आदमी जो ज्यादा। तो दोस्तों आप लोग बताते हैं कि अपना ही आदमी है वो जो लिया है, और हम तो भगवान से मांगते हैं भगवान सब दिन भिखारी बन के रहे, साला मेरा जो लिया है क्या कहें। जिंदगी में दोस्तों खुश नहीं रहेगा, मैं कितना रोई हूँ ना मुझे पता है, मैं कितना कष्ट से खरीदे थे इनके लिए, ये आप लोग को पता है। हर इतना दिन से वीडियो बनाने हम कैसे है नहीं है क्या है नहीं है आप लोग से छुपा नहीं है, और हम किस स्थिति में इनके लिए खरीदे थे पहली बार कुछ, और वो चुरा लिया, तो उसको कभी भी भाला होगा दोस्तों? आप लोग बताइए दोस्तों, जो लिया है ना उसको भगवान कभी भाला नहीं करेगा जिंदगी भर। हम तो यही ज्यादा नहीं, हम सबके बात एक लग के रहेगा उसको। हम तो एक ही बात कहते हैं दोस्तों कि लिया है ना वो सब दिन चोरी करे, सारा भिखारी करे, और उसे घर में कभी धन संपत्ति आए ना ऐसे मरे। हम तो इतना मेहनत करते हैं, बताइए इतना मेहनत करते हैं, शौक है क्या यूट्यूब पे आके ऐसा बना देने के लिए? मेहनत करते हैं ना, वीडियो बनाते हैं ना, कितना कष्ट से आप लोग से चोरी नहीं करते हैं ना किसी से दोस्तों, कुछ चोरी नहीं करते हैं ना, मेहनत करके अपना कुछ भी खरीदते हैं करते हैं। और साला मेरे घर में आके चोरी करके ले गया, अब पता दोस्तों चला कौन लिया नहीं लिया, अपना ही आदमी लिया दोस्तों, कंफर्म भी हो गया तो कुछ नहीं थे पता था कि ये बहुत, और पता भी चला कि कौन लिया है दोस्तों। तो सीमा बहुत रो रही थी, इसके लिए वीडियो बनाया नहीं कि छोड़ो जान पे वीडियो नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। आज दो हफ्ता हो चुका है तो इसके लिए मतलब हम वीडियो बनाए हैं, चलो अभी सब शांत हो गया है, रो धो कुछ होने वाला है नहीं, मुझे पता है रोएंगे व्यू जाएगा मुझे उस मतलब। बहुत रोई थी दोस्तों मैं उस दिन, और मैं भी नहीं झूठ मुठ के रोना चाहती क्योंकि मैं फिर उसे वही दिन देखना नहीं चाहती हूँ। मेरे साथ हुआ है दोस्तों, और मैं आप लोग को एक कहूँगी कि आपने जो भी आपका सामान है अच्छे से रखे, किसी पर आप पर भरोसा नहीं करे, क्योंकि अपना आदमी जो रहता है ना अंदर तक रहता है ना वही करता और है। और पता है दोस्तों जहाँ पे पैसा रखा था सोना रखा था वही सामान निकाला, एक ही इसको पता रहेगा और कुछ नहीं, तो ये सब अपना आदमी खेल था। और उस आदमी को पता था कि हम लोग क्या कहाँ सामान रखते हैं, क्या करते नहीं करते हैं, तो सिर्फ जो सामान था वही टच किया और दूसरा सामान कुछ भी नहीं किया। तो और चाकू भी था, उसका चाकू भी यहाँ पे छूट गया, हम लोग देखे उसका चाकू भी मेरे यहीं आया है और उसका जल नदी में छूट गया होगा। तो दोस्तों आप लोग बताते हैं ये रोने धोते ये सब करते वीडियो बनाते हैं, हम इसके लिए हम पहले बनाएंगे नहीं, बनाने वाले दो हफ्ता रुके उसके बाद सीधा अभी वीडियो बना रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता दोस्तों बार बार यूट्यूब पे रोने में, मेरे साथ ऐसा हुआ है दोस्तों, बोलता है ना उसको कीड़ा, जो बोलता है ना कीड़ा फरेगा जो जो इंसान मेरे घर में आके जिंदगी में भिखारी रहेगा वो बढ़ेगा ही नहीं। उस देखिएगा ना मेरा वीडियो, सोच रहा था ना कि हम उसका पैसा लेके और उसका सोना लेके हम बहुत खुश हैं और उसको घर में तो हम चोरी कर लिए हैं ये वो, और बहुत अच्छा महसूस हो रहा होगा उसको, लेकिन वो भूल गया है कि उसको एक दिन पड़ेगा ही पड़ेगा, मेरा सारा तो उसको लग के ही रहेगा दोस्तों। याद रखना जो लिया होगा ना उसको कभी जिंदगी में लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगा, ऐसे ही छुछुआते रहेगा उसके घर चोरी करने का ही हमेशा सोचेगा। हम लोग इतना मेहनत करते हैं, हम लोग गए थे कहीं पे पता करवाने के लिए तो मुझे पता चला कौन लिया नहीं लिया। तो सुन लो अगर मेरा वीडियो देख रहे होगा ना, जिंदगी में तुम कभी खुश नहीं रहोगे, इतना याद रखना, मेरे पैसा से तुम राजा नहीं बन जाओगे, मेरा 10,000-12,000 चुरा के तुम मेरा नसीब नहीं लोगे, उसे आगे हम कर लेंगे कर लिए हैं कुछ नहीं, हम लोग इतना लेकर कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, लेकिन तुम्हारा जिंदगी में कभी भाला नहीं होगा, इतना याद रखना, जो लियो उसको मैं बता रही हूँ। चलो दोस्तों तो ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग सिर्फ एक शेयर करना था, आप लोग को बताए थे कि बताएंगे इसके लिए, तो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी हमेशा, हमेशा मैं जब भी याद पड़ता है ना गाली ही देती हूँ, मेरा गाली उसको पड़ के ही रहेगा, अब भी नहीं पड़ेगा बाद में पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा ही पड़ेगा कुछ ना कुछ उसको। अरे जाने दो यार, वो भिखारी रहेगा, चोरी करते रहेगा,
उसको दूसरे को जो मेहनत करने का ना उसको ये नहीं है ना, इतना मेहनत के बाद हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, एक एक रुपया बचा के सोचते हैं हम कुछ करें अपना, जब इतना ही अच्छी तो अपना से करो ना, किसी को घर में चोरी करने और पूरा सोना गाता चुरा लिया मेरे बाबू का, मैं कितना बताने से मैं, अरे चलो ठीक है टेंशन मत लो। तो ठीक है दोस्तों, जहाँ टेंशन लेना है फिर से मेहनत करेंगे, कमाएंगे फिर से खरीदेंगे। चोरी करने ना क्या है, वो चोरी करेगा ऐसा है छुछाते मर जाएगा फिर बाद में, और क्या करेगा वो दोस्तों, उसके लिए आप लोग बद्दुआ जरूर देना कि जो मेरे घर में चोरी किया है वो जिंदगी में बढ़ेगा नहीं आगे, क्योंकि हम लोग इतना तकलीफ में आके इतना उसको बद्दुआ दिए है ना कि पड़ जाएगा। वीडियो भी नहीं डाल पा रही हूँ और टेंशन में भी हूँ दोस्तों कि क्या करूँ नहीं करूँ, हम लोग बहुत अपना कोशिश किए और पता भी चला, लेकिन हम वो 10,000 के लिए उसको पूछने के लिए नहीं जाएंगे कि हाँ तुम्हारे 10,000 का लिया है क्या, अरे जाने दो यार 10,000 लेके मेरा नसीब नहीं लो लेगा, तुम लोग नसीब नहीं ले लिया है साला, सोचेगा ना एक बार कि हाँ उसका लिए, ऐसा लगता है मुझे पता है नहीं, तो अपना ही आदमी था दोस्तों, इसके लिए कुछ क्या बोले। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को एंड करते हैं, अच्छा लगता है कमेंट शेयर करें, मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। जो दोस्तों ज्यादा करीब रहता है ना वही बोलता है ना घात करता है, वही हमारे साथ हुआ है और कुछ नहीं, तो इसलिए जिंदगी में अब किसी पर विश्वास नहीं करना है ना। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अब ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बस आप